नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी दिनों से आप सभी अपने मानदेय को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आप सभी के लिए एक समिति की बैठक भी हुई थी जिसमें उम्मीद थी कि सरकार आप सभी के लिए शायद कुछ अच्छा करे। इस बैठक में आप सभी का मुद्दा भी उठाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय की में वृद्धि या फिर सभी के नियमितीकरण को लेकर सरकार कुछ करे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी निर्णायक फैसला नहीं आया। फिलहाल इस बैठक से ऐसी कोई उम्मीद की नहीं जानी थी क्योंकि आप सभी के लिए नहीं था। लगभग 6 वर्ष हो गए हैं सरकार आप सभी के द्वारा मानदेय की मांग को लेकर सरकार के द्वारा आप सभी को केवल आश्वासन ही दिया जाता है, जिससे परेशान होकर अब शिक्षा मित्र संगठन ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। 3 सितंबर वो दिन है, 3 सितंबर के दिन आप सभी के संघर्ष की पहली कड़ी होगी। इस दिन आप सभी अपने हक की मांग के लिए पहला कदम उठाएंगे, जिसमें आप सभी को कोई आंदोलन नहीं करना है, केवल एक तिरंगा झंडा लेकर आप सभी को अपने जिला सांसदों के पास जाकर उनके हाथों में ज्ञापन पत्र सौंपना है जो कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री इस बार आप सभी के इस ज्ञापन पत्र को देखकर आप सभी के मानदेय में वृद्धि करें या फिर आप सभी का नियमितीकरण करें। कुल मिलाकर हो सकता है कि इसके बाद आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई आपके हक में फैसला लिया जाए, और अगर ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद भी आपके हित में कोई फैसला नहीं आता है तो अक्टूबर के महीने में आप सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद ये उम्मीद है कि आप सभी के मानदेय में वृद्धि हो जाएगी, आप सभी का नियमितीकरण सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा इसी साल के अंत तक। फिलहाल आप सभी 3 सितंबर की अच्छे से तैयारी करें, 3 सितंबर के दिन लखनऊ पहुंचें और शांतिपूर्वक अपनी बात सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।